साउथ वेस्ट में ना करें ऐसा वरना अंजाम होगा खतरनाक। साउथ वेस्ट में करें ऐसा खुलेगा मुकद्दर। नमस्कार, जय दिनेंद्र। मैं उम्मेद दुगड़ जैन, वास्तु। आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली डायरेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा या नैऋत्य कोण, द पावर ऑफ साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट दिशा बहुत शक्तिशाली दिशा होती है। सबसे पहले जानिए कि साउथ वेस्ट दिशा कौन सी होती है और कहाँ होती है और कितनी होती है। आप इसको चित्र में देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये साउथ साइड की साउथ वेस्ट है और ये आप देख रहे हैं ये, यानी ये दो हिस्से, ये हो गए वेस्ट साइड के साउथ वेस्ट और ये दो हिस्से ये हो गए साउथ साइड के साउथ वेस्ट, यानी इसको बोलते हैं दक्षिणी नैऋत्य और इसको बोलते हैं पश्चिमी नैऋत्य। ये है दक्षिणी नैऋत्य, ये है पश्चिमी नैऋत्य। तो आप सीधी भाषा में अगर हम ये कहें कि ये पूरी दिशा जो है ये यानी दो हिस्से इधर के वेस्ट साइड के और दो हिस्से साउथ साइड के, ये पूरा जो कॉर्नर बना ये बना साउथ वेस्ट जोन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आपने ये दिशा कौन सी होती है, कहाँ होती है, कितनी होती है, ये आप समझ गए। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि साउथ वेस्ट जोन में यानी नैऋत्य दिशा में चाहे घर हो चाहे फैक्ट्री हो क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं कि साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य दिशा में क्या क्या होना चाहिए जिससे घर में सुख शांति समृद्धि मान सम्मान प्रतिष्ठा सबका वर्चस्व हो और सुख शांति प्राप्त हो। साउथ वेस्ट जोन में आप यानी नैऋत्य दिशा में आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं, स्टेयरकेस लिफ्ट आप बना सकते हैं। घर में जो गृह स्वामी है, हेड ऑफ द फैमिली, उसका बेडरूम आप यहाँ बना सकते हैं जिससे परिवार का मुखिया हमेशा अच्छे प्रभाव में रहे। अगर आप चाहें तो छत पर पानी का टैंक यानी ओवरहेड वाटर टैंक, ये साउथ वेस्ट के वेस्ट साइड में आप बना सकते हैं। साउथ वेस्ट जोन में चाहे घर हो या फैक्ट्री हो, अगर वह सबसे ऊंचा है, साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा है, तो समस्त सुख की प्राप्ति होती है ऐसा विश्वकर्मा सूत्र में लिखा हुआ मिलता है। यदि साउथ वेस्ट जोन नॉर्थ ईस्ट जोन से ऊंचा हो, यानी पानी का बहाव साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हो, नैऋत्य से ईशान की ओर हो, तो ये बहुत ही अर्थ लाभ, फाइनेंशियल लाभ देने वाला, सुख शांति देने वाला माना गया है। साउथ वेस्ट में आप हैवी गुड्स भारी सामान रख सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं, फिक्स एसेट्स जो मूवेबल ना हो जैसे भारी मशीनें आदि आदि आप यहाँ लगा सकते हैं, गोडाउन आप यहाँ बना सकते हैं। ये सब साउथ वेस्ट जोन में करने से ये दिशा शक्तिशाली होकर भवन के मालिक को वह उसमें रहने वाले सबको अच्छा फल देना शुरू कर देती है। अब हम जानते हैं कि साउथ वेस्ट में यानी साउथ वेस्ट जोन में यानी नैऋत्य दिशा में क्या क्या नहीं होना चाहिए ताकि हमको साउथ वेस्ट जोन का बुरा प्रभाव ना मिले। सबसे पहले साउथ वेस्ट जोन में यानी घर हो चाहे फैक्ट्री हो, साउथ वेस्ट जोन में मेन गेट सिंह द्वार मुख्य गेट यानी
सबसे पूरे भवन का जो मेन गेट है वो तो कम से कम साउथ वेस्ट में भूल कर भी ना बनाएं। यह एक्सीडेंट, सुसाइड, डीफेम, बदनामी, जेल यात्रा, हार्ट अटैक, सर्जरी या सडन अनहोनी, पैरों की तकलीफ आदि, ये सारी घटनाएं घट सकती है। ऐसा मैंने 30-35 साल के अनुभव में देखा है। इसलिए साउथ वेस्ट में मेन गेट तो बनाना ही नहीं चाहिए, हमेशा मेन गेट बनाने से बचना चाहिए। इसका वैसे मेरा एक वास्तु सिंप्लीफाइड में अलग से वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं। साउथ वेस्ट में संभव हो तो दरवाजा के अलावा कोई भी खिड़की भी ना लगाएं। खिड़की लगाना भी अच्छा नहीं माना जाता, इससे नकारात्मक शक्तियां, बैड एविल्स, बुरी आत्माओं का प्रभाव घर में प्रवेश कर सकता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में, यानी वो खड्डा हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बड़ा खड्डा हो गया, बिल्कुल ना बनाएं। बड़ा फाइनेंशियल लॉस, इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, पैरों की तकलीफ पैदा कर सकता है। सिर्फ साउथ वेस्ट में, यानी ओनली साउथ वेस्ट जोन में बेसमेंट कभी नहीं बनाना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार का खड्डा या पिट साउथ वेस्ट में कभी ना बनाएं। ये आपसी संबंधों में भी, पारिवारिक संबंधों में दरार पैदा कर सकता है। बोरिंग भी, बोरवेल, कुआ साउथ वेस्ट में बिल्कुल ना बनाएं, ये बहुत ही अनर्थकारी होता है। साउथ वेस्ट को खाली और खुला भी नहीं रखना चाहिए, यह भी वास्तुशास्त्र में बड़ा दोष माना जाता है, ऐसा विश्वकर्मा सूत्र में लिखा है। ग्राउंड लेवल साउथ वेस्ट का कभी भी नीचा नहीं रखना चाहिए, इससे व्यापार में बाधाएं पैदा होती है। साउथ वेस्ट का कोना कभी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, इससे फाइनेंशियल लॉस और पैरों को बड़ा नुकसान हो सकता है। साउथ वेस्ट को पितरों की दिशा भी माना जाता है, अतः साउथ वेस्ट में भूल कर भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी साउथ वेस्ट एक्सटेंड हो जाता है, तो साउथ वेस्ट जोन एक्सटेंड कभी ना हो, बढ़ा हुआ ना हो। जो मैंने 30-35 साल के अनुभव में देखा है कि साउथ वेस्ट एक्सटेंड होने से बड़ा फाइनेंशियल लॉस, बदनामी यानी डीफेम हो सकता है। एक्सीडेंट और मानसिक और शारीरिक बीमारियां आ सकती है, कर्ज बढ़ सकता है, शत्रु बढ़ सकते हैं, शत्रु समस्या हो सकती है। इसके अलावा साउथ वेस्ट कटा हुआ हो तो भी अच्छा नहीं माना जाता, इससे कई मुसीबतों के साथ साथ पैरों की तकलीफ निश्चित होती है। पर कुछ वास्तुशास्त्री कटे हुए साउथ वेस्ट को उपयोगी मान लेते हैं, लेकिन मेरे अपने अनुभव से कटा हुआ साउथ वेस्ट अच्छा नहीं माना जाता, जो मैंने देखा है अनुभव में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।